अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब कोरोना संक्रामक नहीं है। व्हाइट हाउस के फिजिशियन सीन कोनली ने शनिवार देर रात यह बात कही। उन्होंने कहा, आज शाम को ये बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि राष्ट्रपति ट्रंप से अब किसी को कोरोना का खतरा नहीं है। उन्होंने कहा कि वे अब सार्वजनिक जीवन में लौट सकते हैं। राष्ट्रपति को पिछले हफ्ते शुक्रवार से ही बुखार नहीं है। राष्ट्रपति ट्रंप का कोरोना 19 के लिए चिकित्सकों द्वारा बताया गया उपचार पूरा हो गया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति के कोरोना संक्रमित होने के बारे में पिछले हफ्ते पता चला था और इस शनिवार को इसके 10 दिन पूरे हो गए। एक इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा था कि वह अच्छा महसूस कर रहे हैं और रैलियां करना चाहते हैं। उन्होंने कहा, मैं अच्छा, बहुत अच्छा, बल्कि एकदम बढ़िया महसूस कर रहा हूं। मैं तैयार हूं, रैलियां करना चाहता हूं। बता दें कि शनिवार को डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस की बालकनी में आए। बाहर काफी संख्या में उनके समर्थक मौजूद थे। ट्रंप ने समर्थकों के सामने मास्क हटाया। कोरोना से ठीक होने के बाद यह पहला मौका था जब ट्रंप इस तरह से सार्वजनिक रूप से सामने आए। व्हाइट हाउस की बालकनी से बोलते हुए ट्रंप ने कहा, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं चाहता हूं कि आपको पता चले कि हमारा देश इस भयानक चीनी वायरस को हराने जा रहा है। ट्रंप ने सैकड़ों समर्थकों को संबोधित किया जो मास्क पहने हुए थे, लेकिन कार्यक्रम में बहुत कम सोशल डिस्टेंसिंग देखी गई। ट्रंप ने कहा कि कोरोना गायब हो रहा है। इससे पहले ट्रंप ने कहा था कि अब कोई दवा नहीं ले रहे हैं। शुक्रवार को एक टेलीविजन इंटरव्यू में ट्रंप ने कोरोना से जुड़ी अपनी जंग के बारे में जानकारी साझा की। इंटरव्यू के दौरान ट्रंप ने कहा, अब मैं दवा से मुक्त हूं, अब मैं कोई दवा नहीं ले रहा हूं। बताते चले कि डोनाल्ड ट्रंप और उनकी पत्नी मेलानिया ट्रंप के कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद उन्हें इलाज के लिए मिलिट्री अस्पताल में भर्ती किया गया था। मेलानिया के स्वास्थ्य में भी पहले से काफी सुधार है। हमारे वीडियो को लेकर आपकी क्या राय, हमें कॉमेंट सेक्शन में बताएं। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा डिजिटल चैनल टीवी 9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ टीवी 9 भारतवर्ष पर।